पाकिस्तान की पत्रकार स्वयं चीख चीख कर बता रही हैं कि दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर कोई बता नहीं सकता। दाऊद इब्राहिम मौत की नींद, हो सकता है कि सो गया हो, इसके बारे में भी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति कह नहीं सकता, क्योंकि उसकी भी मौत हो सकती है, उसे भी मार दिया जा सकता है। अंडरवर्ल्ड ऑन दाऊद इब्राहिम की जिस प्रकार से जहर देने की बात सामने आ रही है और तमाम जगहों पर तो ये चर्चा है कि उसके बाद दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई और उसके बावजूद पाकिस्तान इसे स्वीकार नहीं कर रहा, जबकि सभी ये जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम की पनाहगार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तान में ही दाऊद इब्राहिम रह रहा था। लेकिन ना तो पाकिस्तान का कोई अधिकारी सामने आ रहा, ना ही पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री साफ तौर पर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में था या नहीं। हालांकि पाकिस्तान पूरी तरह से इनकार करता रहा कि दाऊद इब्राहिम उसके यहां पर नहीं है और वो वहां पर संरक्षण लेकर नहीं रह रहा, लेकिन पाकिस्तान का चेहरा तो उस समय भी साफ हो गया था जिस समय पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को अपने यहां पर रखे हुए था और लगातार इनकार कर रहा था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं है। जब अमेरिका ने हमला किया, उसे मौत की नींद सुला दी, तब पाकिस्तान का चेहरा सामने आ गया था कि हां, पाकिस्तान आतंकवादियों का संरक्षण है, संरक्षक है, पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण देता है। ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद जब अमेरिका ने हमला किया था और अमेरिका के अमेरिकी सैनिकों ने उसे मौत की नींद सुला दी थी, तब सारी दुनिया में ये चर्चा हो गई थी कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों को अपने घर में रखने का काम करता है, किस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों को पूरी तरह से सुरक्षा देने का काम करता है। दुनिया का घोषित आतंकवादी ओसामा बिन लादेन बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहज तरीके से पाकिस्तान में रह रहा था। किसी भी तरह की उसको कोई चिंता नहीं थी, किसी भी तरह से उसको असुरक्षा नहीं थी और किसी भी तरह से उसे कोई परेशानी नहीं थी। जितनी पत्नियां मन चाहे वो रख रहा था, जितने लोगों को बुलाना चाहता था बुला ले रहा था, जितनी उसे आराम से, जिस तरह से आम आदमी रहते हैं उसी तरह से आम आदमी की तरह वो रह रहा था। बस थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था उसके लिए जरूर थी और ये भी सर्वनाक बात है कि पाकिस्तान ने स्वयं उसे सुरक्षा व्यवस्था दे रखी थी, जिससे दुनिया को कानो कान पता ना चले कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में रह रहा। तो जब पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को स्वीकार नहीं कर सकता है, जब पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को यह नहीं बता सकता था कि वो उसके यहां पर है, तो फिर दाऊद इब्राहिम को कैसे स्वीकार करेगा। अमरीकी सैनिकों ने जब मौत की नींद सुलाया, अचानक हमला किया, तो उसके बाद पूरी दुनिया में ये खबर फैली थी कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मार दिया गया, मौत की नींद सुला दिया गया। तो इतनी बड़ी घटना के बाद पाकिस्तान का चेहरा सामने आया था। ओसामा बिन लादेन की ही तरह पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को भी छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जल्द ही साफ हो जाएगा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही रह रहा था, उसे जहर दे दिया गया या बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। जिस तरह से पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि एक हॉस्पिटल में, अस्पताल में दाऊद इब्राहिम को रखा गया है, वहां पर इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, बेहद चिंताजनक है, कभी भी मौत हो सकती है, उसको देखते हुए साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि दाऊद इब्राहिम निश्चित तौर पे अब मौत के करीब पहुंच गया है। और इसीलिए पूरी पाकिस्तान में इंटरनेट व्यवस्था पूरी तरह से स्लो कर दी गई है। पाकिस्तान की पत्रकार स्वयं चीख चीख कर बता रही हैं कि दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर कोई बता नहीं सकता। दाऊद इब्राहिम मौत की नींद, हो सकता है कि सो गया हो, इसके बारे में भी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति कह नहीं सकता, क्योंकि उसकी भी मौत हो सकती है, उसे भी मार दिया जा सकता है। तो पाकिस्तान जब ओसामा बिन लादेन को नहीं बता सकता है, तो फिर दाऊद इब्राहिम के बारे में कैसे स्वीकार करेगा।